देखिए पानी के टैंकर पर भारी भीड़ और कितनी धक्का मुक्की है। टैंकर देखते ही महिलाएं बड़े बड़े ड्रम उठाकर भाग रही हैं। यह जगह है बुराड़ी विधानसभा का कुशक नंबर 2 गांव। यहां कुछ लोग पानी खरीद कर पीते हैं। जो गरीब खरीद कर नहीं पी पाते वे देखिए पानी के लिए कितनी मशक्कत कर रहे हैं। यहाँ लोगों का कहना है कि पानी की लाइनें तो हैं पर पानी नहीं आता। ये हाल अकेले कुशक गांव का नहीं बल्कि DCM कॉलोनी नथुपुरा एरिया का भी यही हाल है। और यहाँ पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इस क्षेत्र में सालों सालों हो गया पानी नहीं आता है। यहाँ पे जहाँ खड़े हुए हैं यहाँ लोग पानी या तो खरीद कर पीते हैं तो 15 से 20 रुपए का जार मिलता है। जो लोग पानी खरीद सकते हैं वो तो खरीद कर पी रहे हैं, जो खरीद नहीं सकते वो लोग हैंडपंप का दूषित पानी, गंदा पानी पी रहे हैं। उस पानी को पी करके लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। यहाँ पर डेंगू जैसी भयंकर बीमारी यहाँ फैल रही है। एक एक घर में कई कई लोग डेंगू के मरीज यहाँ पर हैं, मलेरिया जैसी बीमारियाँ यहाँ पर हैं, पीलिया जैसी बीमारियाँ यहाँ पर हैं। हम चंदन विहार बुराड़ी में रहते हैं और पानी की तो बहुत किल्लत हो रही है। इतनी गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी है और उसमें पानी हमें खरीद कर पीना पड़ रहा है। साफ़ पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल। दिल्ली में पानी फ्री है लेकिन हमें तो खरीद खरीद के पीना पड़ रहा है। 20 रुपए की रोज़ केन, एक से तो अब गर्मियों में काम चलता नहीं है, दो दो केने लेनी पड़ती हैं, तो 600 रुपए महीना हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सब्जी की तरह हम खरीद खरीद कर पी रहे हैं पानी भी। यहाँ बच्चियाँ भी पढ़ाई छोड़कर पानी के टैंकरों की तरफ दौड़ती हैं क्योंकि इनका कहना है कि टैंकर का पानी भी नहीं होगा तो प्यासे मर जाएंगे। यहाँ तो टैंकर में लाइन लगा रहे थे, आप धक्के खा रहे थे, क्या वजह थी? पानी पीने के लिए टैंकर में धक्के खा रहे थे ऐसे से। तो क्या काम भी तो होगा, घर के काम सब छोड़ दिया? घर का काम छोड़ के पानी के लिए पहले जाना चाहिए क्योंकि पानी पिएंगे नहीं तो खाना पीना कहाँ से बनाएंगे, पानी भरने आए। जब भी टैंकर आता तो आप लोग आते हो ऐसे ही? ये हाल आज का नहीं बल्कि हर रोज के यही हालात हैं। दिल्ली में सरकारें बदली पर हालात नहीं बदले। लोग हर गर्मी में पीने के पानी के लिए ऐसे ही मजबूर रहते हैं। सभी तरह की जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें सीधी नजर TV।